अस्सलामुअलैकुम, सुमरन्स किचन डिलाइट में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कॉटन कैंडी आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। यह आइसक्रीम बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनती है। कॉटन कैंडी नाम सुन के बचपन की याद आ जाती है। ये तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली है। ये मेरा कप बड़े साइज़ का कप है और 1 कप 240 ml का है। अब इसे एक प्लास्टिक या फिर स्टील बॉल में लेके इसे ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है। जर्मन का बर्तन नहीं लेना है, उसे उसका कालापन छूटता है। अब पहले स्लो स्पीड पे फिर स्पीड को बढ़ाते हुए व्हिप क्रीम को बीट करना है, जैसे केक के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। ये देखिए क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हो गई है। अब इसमें हम 1/4 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे, मतलब 1/4 कप, जो मैंने बड़ा कप लिया था उससे ही है 1/4 कप। अब कंडेंस्ड मिल्क डालना है 1/4 कप। हम आइसक्रीम में पाउडर शुगर की जगह पे कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद एक सिलिकॉन स्पैचुला की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कॉटन कैंडी वाला आया था, उसके पास ही मैंने ये सिंपल कॉटन कैंडी ली है, जो पिंक और येलो कलर की है। जो हमने आइसक्रीम के लिए बेस तैयार किया था, अब उसे 2 बॉल में अलग अलग निकाल लिया है मैंने। अब 1 बॉल में मैं पिंक कॉटन कैंडी और 1 इसमें येलो डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से। अब इसमें पिंक कलर आने के लिए यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर लिया है। इससे आइसक्रीम बेस में बहुत ही अच्छा सा पिंक कलर आएगा। अब दूसरे बॉल में जो कॉटन कैंडी है उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें येलो फूड कलर डालेंगे, येलो कलर आने के लिए। अब यहाँ पर मैंने फ्रीज़र सेफ डिश ली है, उसमें ये आइसक्रीम का बेस डालना है। पहले येलो, फिर थोड़ा पिंक, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कलर आने के लिए इस तरह से क्रीम डालना है। मुझे इस तरह से कलर बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं कलर को मिक्स कर रही हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे आप इसमें आइसक्रीम के बेस को सेट होने के लिए डाल सकते हैं। अगर कॉटन कैंडी नहीं मिल रही है तो फिर आप कॉटन कैंडी एसेंस से भी ये आइसक्रीम बना सकते हैं। बास्किन रॉबिन में जो कॉटन कैंडी आइसक्रीम मिलती है उसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है, बट उसका कलर पिंक और ब्लू होता है। आप चाहे तो उस कलर की आइसक्रीम भी बना सकते हैं। इसके बाद 2-3 बार हल्के हाथों से टैप करके इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है। इससे इसमें जो एक्स्ट्रा एयर बबल होंगे वो निकल जाएंगे और हमारी आइसक्रीम बहुत ही परफेक्ट सेट हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी घर का बर्तन इस्तेमाल करके इस तरह से आइसक्रीम सेट कर सकते हैं, बट उसे अच्छे से बंद करना है। अब हम इसे फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए 8 घंटे पूरे हो गए हैं और हमारी आइसक्रीम बहुत ही परफेक्ट तरीके से सेट हो गई है। अब इसे मैं सर्व करके दिखाऊंगी। वाह, इसका जैसे कलर चाहिए था वैसा ही कलर आया है। मुझे इस तरह का कलर बहुत पसंद है आइसक्रीम में। जब आप घर में ही इतनी टेस्टी आइसक्रीम बना सकते हैं तो फिर बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और बच्चों को घर में बनी हुई आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, और वो भी मम्मी के हाथ की बनी हुई आइसक्रीम बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। समर सीज़न भी आ रहा है तो समर सीज़न में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। अगर आपको ये कॉटन कैंडी आइसक्रीम की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन क्लिक करें, जिससे मेरी रेगुलर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए फ्लेवर के आइसक्रीम के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।
टेक केयर।